अगर आप चाहते हैं कि बिना डॉक्टर के पास जाए हुए आपके कानों का मैल पूरा बाहर आ जाए, कानों का दर्द सही हो जाए, कानों का इन्फेक्शन सही हो जाए और साथ ही जो आपके कानों का जो बहरापन है ना वो भी सही हो जाएगा, केवल एक रेमेडी है। एक रेमेडी से आपको अपने कानों में डालना है 2 बूंद और केवल 2 दिन में पूरा मैल बाहर हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है, रामबाण उपाय है। बिना पैसे खर्च किए हुए अपने कानों का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता ना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। अगर आप स्किप करेंगे पूरी रेमेडी आप मिस कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सो फ्रेंड, जानते हैं इस रेमेडी में मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो आपकी कानों की सारी समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 और 1.5 चम्मच के करीब मैंने तिल का तेल लिया है, यानी कि शीशम ऑयल लिया है मैंने। जो शीशम सीड्स होती हैं उसका ऑयल लिया है। ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। आप उनको सिर्फ यही बोलना कि आपको तिल का तेल चाहिए, यानी कि आपको शीशम सीड्स ऑयल चाहिए। फ्रेंड, जो तिल का तेल होता है ना वो ईयर इन्फेक्शन, कानों में दर्द और कान के मैल के लिए काफी फायदेमंद है। अगर आपने ये उपाय 2 बार कर लिया तो आपका जो कान का मैल है और कान का जो दर्द है, इसके साथ ही अगर आपके कानों में इन्फेक्शन है और किसी वजह से अगर आपके कानों में सुनाई पड़ना कम हो गया है तो सारा छूम अंतर हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है, जरूर करके देखें। और तिल का तेल इसका रामबाण उपाय है। तो ये था हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का पानी लिया है, वो है तुलसी का रस। आपको तुलसी का रस लेना है या फिर अगर आपके पास तुलसी का ऑयल है, यानी कि बेसिल ऑयल है अगर आपके पास, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे तुलसी का ऑयल नहीं था तो मैंने यहाँ पे तुलसी का रस यूज कर रही हूँ। तुलसी का रस आप घर पे आसानी से बना सकते हो। तुलसी की पत्तियों को तोड़िए और उसको पीस करके और उसका रस निकाल दीजिए। जब आप पीसेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पीसे तो उसका रस जल्दी निकल जाएगा और आपको आसानी भी रहेगी उसका रस निकालने में। फ्रेंड, जो तुलसी का रस होता है ना वो भी कानों में जो हो रही समस्या होती है उनको खत्म करने का ना काम करता है। जैसे कि अगर आपके कानों में मैल हो, कानों में दर्द हो या फिर किसी भी तरीके का बहरापन हो या कानों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, वो दूर हो जाएगा। केवल आपको ये उपाय 2 बार करना है। बहुत अच्छा उपाय है, हटके उपाय है और 2 बार के करने से ही आपका जो कानों में जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, कितना भी गाढ़ा आपके कानों में मैल हो वो पिघल करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि कान में जो मैल होता है उसके वजह से ही कानों में इन्फेक्शन होता है, कानों में दर्द होता है और बहरापन सिर्फ कान के मैल की वजह से होता है। अगर एक बार कान का मैल निकल गया ना तो सारी समस्या एक बार में ही कम हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हो केवल मैंने ये 2 इंग्रेडिएंट लिए हैं और ये 2 इंग्रेडिएंट से ही आपको अपने कानों की सारी समस्या है ना उनको दूर करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे तिल का तेल लिया है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 या फिर 6 से 7 बूंदे मैंने यहाँ पे तुलसी के रस की ली है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तुलसी का रस आपको ज्यादा नहीं मिलाना है और आप तुलसी का रस या फिर तुलसी का ऑयल यूज कर सकते हो। तुलसी का ऑयल भी ग्रोसरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप रस की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, पहले आप कुछ अच्छे से इसको मिला लें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल लीजिए, इसको अच्छे से डिप कीजिए, ठीक है। अगर आप इस तेल को गरम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठंडा मत यूज करें। आपको तेल गुनगुना गरम करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस रुई की सहायता से अपने दोनों कानों में 2-2 बूंद डालनी है, ठीक है। जब आप अपने पहले कान में डालेंगे तो उस कान को आसमान की तरफ कर दें और 1 मिनट के बाद उसी कान को नीचे कर दें और दूसरे कान को ऊपर कर दें। फिर 2 बूंद डालिए, फिर उस कान को 1 मिनट के बाद नीचे कर दें, दूसरे कान को ऊपर कर दें।
ऐसा इसलिए करना है, जब ये दोनों चीजें आपके कान में जाएंगी तो एक मिनट तक आपके कानों के जो मैल है उसको अच्छे से पिघलाने का काम करेंगी। फिर जब आप एक मिनट के बाद अपने कान को नीचे करेंगे तो इस मिश्रण के साथ आपका जो मैल है वो बाहर निकल जाएगा। इससे सारी आपकी जो कानों की समस्या है, बहरापन है, इन्फेक्शन है या फिर कानों में दर्द है, वो भी छूम अंतर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखें, इससे आपको कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस मिश्रण को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो क्योंकि हमने इसमें तुलसी का रस मिलाया है, ठीक है। अगर आप इसमें तुलसी का ऑयल मिलाते हो तो आप स्टोर करके रख सकते हो, पर अगर आपने तुलसी का रस मिलाया है तो आप स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि तुलसी के रस में पानी होता है और तेल को खराब कर देगा। अगर आपने तुलसी का ऑयल मिलाया है तो स्टोर करके रखें, हल्का सा गुनगुना करें और अपने कानों में डाल लें, बस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा उपाय, जरूर करके देखें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।